शरद पवार ने जब इस्तीफा दिया तो एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा दांव देखने को मिलता है। शरद पवार इतनी आसानी से चित होने वाले नहीं है। वो शरद पवार जो दूसरों के लिए रणनीति बनाते हैं, अपनी पार्टी में चित हो जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे। ये शरद पवार दबाव बना रहे हैं या दबाव में आए हैं, समझने जैसी बात है। दरअसल शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है, इसकी शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेताओं ने अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। जितेंद्र आवाड वही हैं जो कल रोए थे जमकर और बहुत नाराजगी जताई थी, उन्होंने विरोध किया था इस फैसले का। तब जब अजीत पवार कह रहे थे कि बाध्य मत करिए शरद पवार को, इस्तीफा दे दिया है, नए अध्यक्ष इनके नेतृत्व में काम करेंगे, इन सारी बातों के बीच में जितेंद्र आवाड, जयंत पाटिल, ये खेमा वैसे भी शरद पवार का खेमा माना जाता है, ये नाराज थे। उन्होंने कहा कि उनके साथ जितने भी राष्ट्रवादी के पदाधिकारी हैं, एनसीपी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सभी ने अपना इस्तीफा जयंत पाटिल को भेजा है, यानी जो राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष हैं एनसीपी के। अजीत पवार ने 2 मई को कहा था कि पार्टी में किसी का भी इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। अब सभी की नजरें एनसीपी के नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान पर टिकी हुई हैं। एनसीपी के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए एनसीपी नेताओं की बैठक जारी है। शरद पवार या एनसीपी ने अभी तक नए अध्यक्ष को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अजीत पवार शरद पवार की जगह ले सकते हैं। वहीं शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी नेता जयंत पाटिल भी रेस में शामिल हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शरद पवार से उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की जा रही है। अब अजीत पवार के घर हो रही एनसीपी नेताओं की बैठक में कोई अहम निर्णय पर सहमति बनने की उम्मीद की जा रही है। अध्यक्ष पद में परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, इस तरह की खबरें भी आने लगी। एनसीपी में नेताओं का दावा है कि अध्यक्ष पद में परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, अब कमेटी को अगले एनसीपी प्रमुख पर फैसला करना है। अब ये भी एक रणनीति दिखाई पड़ती है। दरअसल ये मामला अब सीधे तौर पर स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में है। शरद पवार का पूरा खेमा नहीं चाहता कि वो अध्यक्ष पद से हटे। अजीत पवार चाहते हैं, अजीत पवार स्पष्ट कर चुके हैं और बैठकों का दौर भी चल रहा है। क्या शरद पवार ने ये फैसला अजीत पवार के किसी निर्णय पर लिया है? क्या अंदर खाने एनसीपी में कोई फूट की, जिस तरह की आशंकाएं पहले जताई जा रही थी, बीजेपी से नज़दीकियों की बात कही जा रही थी, उनमें दम देखने को मिल रहा? अब तो ये सवाल खड़े होंगे। शरद पवार ने फैसले से चौंका दिया था जब मंगलवार को उन्होंने अचानक एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, लेकिन शरद पवार का इस्तीफा जिस तरह से अचानक हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। शरद पवार ने अपनी एक किताब, जो कि उनकी एक आत्मकथा है जिसमें कई खुलासे उन्होंने किए हैं, इसकी लॉन्चिंग के मौके पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो अगले अध्यक्ष का चुनाव करेगी। पवार पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पवार इस्तीफा वापस लेते हैं या अपने फैसले पर कायम रहते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र आवाड ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है वो ये बता रहा है कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब खेल शुरू हुआ है, यहाँ खत्म नहीं हो रहा। ये शरद पवार का नया दांव शुरू होता है, यहाँ उनका दांव खत्म नहीं होता। शरद पवार के इस्तीफे का समय बेहद अहम है। दरअसल उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले 2 हफ्ते में फैसला सुना सकता है। याचिका में मांग की गई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही 15 अन्य विधायकों को बर्खास्त किया जाए। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अजीत पवार भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यही वजह है कि शरद पवार के अचानक हुए इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए भी शरद पवार का इस्तीफा बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शरद पवार अभी समय लेंगे और ये दबाव और बढ़ने वाला है, क्योंकि जितेंद्र आवाड तो एक नाम है, हालांकि वो बड़ा नाम है, एनसीपी के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, कल बहुत दुखी दिखाई दिए थे, आंसू निकल आए थे उनकी आंखों से, लेकिन जितेंद्र आवाड, जयंत पाटिल, ये वो खेमा है जो अब भी अजीत पवार के साथ नहीं दिखाई पड़ता। इनको अपने राजनीतिक भविष्य की भी चिंता है, वो जानते हैं अजीत पवार अध्यक्ष बनेंगे या पार्टी की कमान उनके हाथ में आएगी तो वो पूरा धड़ा जो अभी तक अजीत पवार के खिलाफ काम करता रहा पार्टी में रहते हुए या उनके खिलाफ दिखता था, आप याद रखिए वो होल्डिंग वॉर जिसमें एक तरफ अजीत पवार के भावी सीएम होने के पोस्टर लग गए तो फिर जयंत पाटिल के भी पोस्टर लग गए थे और कहा यह गया कि इसमें शरद पवार की अनुमति थी। शरद पवार का नाम लेकर अजीत पवार पहले भी बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं, ये खुलासा खुद शरद पवार ने किया है, लेकिन जब उन्होंने विधायकों को बताया कि उन्होंने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है तो सारे विधायक वापस लौट आए थे। कुल मिलाकर अजीत पवार और शरद पवार की ताकत को देखा जाए तो एनसीपी में आज भी शरद पवार की ताकत है। अजीत पवार भी एनसीपी के लिए जरूरी है।
दरअसल भावी पीढ़ी वही दिखाई देते हैं। नंबर टू एनसीपी में निर्विवाद रूप से अजीत पवार हैं, लेकिन अजीत पवार चाहते हैं कि पार्टी की कमान उनको दी जाए, पार्टी के निर्णय वो लें, बड़े फैसले वो लें। अभी तक इन फैसलों में दखल शरद पवार का चलता है, जैसे कि उदाहरण, बड़ा उदाहरण यही सामने है जो शरद पवार ने बताया। अजीत पवार चाहते थे बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए, कई बैठकों में उनको भी निराशा हो गई थी कांग्रेस की शर्तें सुन के। उन्होंने कहा था कई बातों पर मेरी भी नाराजगी थी, अजीत पवार भी ऐसी बैठकों से नाराज़ हो गए थे, इसीलिए वो बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन बीजेपी के साथ जाते वक्त उन्होंने विधायकों को ये कहा था कि शरद पवार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। शरद पवार ने इस बात का खुलासा खुद किया, इससे स्पष्टता। और इसी किताब के इन्हीं खुलासों के विमोचन के समय पर शरद पवार का इस्तीफा देना, उसके बाद में फिर सारे बड़े नेताओं की आंखों में आंसू आ जाना, सभी का शरद पवार को रोकना, अजीत पवार का कहना दबाव मत बनाओ, बैठकों का दौर शुरू होना, बैठकों के साथ साथ अब इस्तीफों का दौर शुरू हो जाना, ये स्पष्टता बताता है कि एनसीपी में एक नया खेल चल रहा है। और ये बात सिर्फ एनसीपी की नहीं है, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं जो महाराष्ट्र और केंद्र दोनों की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि क्या होगा आने वाले दिनों में पता लगेगा। कुल मिलाकर शरद पवार का प्रयास यही दिख रहा है कि वो जो अभी वर्तमान स्थितियां बनी हुई हैं उनको बरकरार रखें। देखते हैं वो कामयाब हो पाते हैं नहीं। मन से उजाला कर चले, मन से